हिमाचल प्रदेश में भले ही मोदी लहर में इस बार जो दो साल पहले विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें भले ही भाजपा की सरकार बनी हो, जो कि दिख भी रहा था क्योंकि पूरे देश में मोदी लहर थी और हिमाचल प्रदेश भी उससे अछूता नहीं था, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में जो एक बड़ा परिवर्तन हुआ वो ये था कि सबसे पहले तो भाजपा ने पहली बार किसी प्रदेश में अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। और हमारे दर्शक जैसा कि जानते ही होंगे कि हिमाचल प्रदेश भाजपा में, हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनावों में भाजपा ने प्रेम कुमार धूमल, जो कि पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं दो बार, उन्हें ही तीसरी बार भी विधानसभा चुनावों में मुख्यमंत्री पद का, मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया और पार्टी को चुनाव में धकेला। लेकिन यहीं पर एक बड़ा घटनाक्रम हुआ कि मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र है वहां से चुनाव लड़े, जो कि उनका मूल क्षेत्र भी कहा जाता है, वैसे वो हमीरपुर से राजनीति करते रहे हैं, और उसी सुजानपुर में उन्हें उस शख्स ने टक्कर दी जो कि कभी भाजपा से ही विधानसभा के लिए टिकट की मांग किया करता था। जी, हम बात कर रहे हैं राजेंद्र राणा की। राजेंद्र राणा जो क्षेत्र में हमीरपुर जिला में एक समाज सेवी के तौर पर पहचान रखते हैं और युवाओं में और ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में भी जिनकी अच्छी खासी पहचान है, वही राजेंद्र राणा आज लाइव टाइम्स पर बिल्कुल लाइव है और हम राजेंद्र राणा से बात करेंगे। कुछ राजनीतिक चर्चा भी होगी और कुछ चर्चा ये भी होगी कि इस विधानसभा के शीतकालीन सत्र में राजेंद्र राणा ने कौन कौन से सवाल सदन में उठाए हैं और किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं लाइव टाइम्स टीवी में राजेंद्र राणा जी का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, हम बता दें राजेंद्र राणा जी पहली बार चुनाव जब हमें बता रहे थे जैसा कि भाजपा से टिकट की मांग कर रहे थे, टिकट नहीं मिला, राजेंद्र राणा जी आजाद उम्मीदवार के तौर पर विधानसभा का चुनाव लड़े और दशक भर पहले पहली बार वो विधानसभा में बतौर आजाद उम्मीदवार चुनाव सदस्य बने थे। उसके बाद उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की, उस समय के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का आशीर्वाद उनके साथ रहा और उन्हीं के नेतृत्व में राजेंद्र राणा ने सियासत की निर्वाचन राजनीति की सीढ़ियां चढ़ते हुए इस बार कांग्रेस टिकट पर चुनाव लड़ा और सीधे सीधे भाजपा के मुख्यमंत्री पद का जो चेहरा था प्रेम कुमार धूमल, उन्हें टक्कर दी। ना केवल टक्कर दी बल्कि विधानसभा में अच्छे मार्जिन से जीत भी दर्ज की और हिमाचल राजनीति का प्रारूप, दिशा और दशा ही बदल गई। यही कारण था कि इस बार अब भाजपा नेतृत्व वाली सरकार में हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री बने जयराम ठाकुर, क्योंकि प्रेम कुमार धूमल अपना विधानसभा चुनाव हार चुके थे। उन्हीं राजेंद्र राणा से हम कुछ राजनीति ही बात करते हैं। राजेंद्र राणा जी, जैसा कि कहा जाता है, माना जाता है कि आप पहले धूमल साहब के खास समर्थक हुआ करते थे और फिर एकदम से आपने कांग्रेस ज्वाइन की और उन्हीं धूमल साहब को आपने पटकनी दी चुनावों में, तो उस अनुभव या जो कुछ बात रही होगी, जो कुछ आप साझा कर सकते हैं लाइव टाइम्स टीवी पर, क्योंकि हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, तो आप हमारे साथ कुछ बातें शेयर करें। देखिए, ऐसा है कि 2012 में मैंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था और जहां तक प्रेम कुमार धूमल जी का आपने प्रश्न किया है कि धूमल साहब जो हैं सुजानपुर से चुनाव लड़े, तो मैं बार बार इस चीज को दोहरा चुका हूं कि मैंने धूमल साहब के विरुद्ध चुनाव नहीं लड़ा, बल्कि धूमल साहब राजेंद्र राणा के विरुद्ध चुनाव लड़ने के लिए सुजानपुर में आए, क्योंकि पिछली बार वो जो एमएलए थे वो हमीरपुर से थे। आप पहले बता चुके हैं, हमने अगर ऐसा कहीं पब्लिक में संदेश है कि, तो मैं पब्लिक को बताना चाहता हूं कि मैं धूमल साहब के विरुद्ध चुनाव नहीं लड़ा हूं। धूमल साहब राजेंद्र राणा को हराने के लिए सुजानपुर आए। फैसला जनता ने करना होता। मैं ये नहीं कहता हूं कि हम जीते कि कौन हारा, परंतु ये फैसला तो जनादेश है, जनता फैसला करती है। और मैं सुजानपुर की जनता का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया है, क्योंकि मैं लगातार पिछले 15-20 वर्षों से सुजानपुर चुनाव क्षेत्र की जनता की, हमीरपुर की, हिमाचल प्रदेश के मजलूम बेसहारा लोगों के सहारा बनकर काम करता रहा। मैंने कभी किसी की मदद करते समय, किसी का काम करते समय कभी किसी की जाति, किसी का धर्म, किसी का मजहब नहीं पूछा, क्योंकि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है और मेरी नजर में इंसानियत सबसे बड़ी होती है। और यही कारण है कि सुजानपुर की जनता का मैं तो उन्होंने इतना बड़ा फैसला जनादेश मुझे दिया है, मैं उनका कर्जदार हूं, सारी जिंदगी उनका कर्जदार रहूंगा और अभी भी और आने वाले समय में भी। सुजानपुर का एक एक व्यक्ति
मेरे लिए उस परिवार का सदस्य के रूप में है। और यही वजह है कि सुजैनपुर में दुख में सुख में काम में अरजिंदर राणा कभी किसी की पार्टी नहीं पूछता, किसी की जाति नहीं पूछता, क्योंकि मेरे लिए परिवार की तरह है। और हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की पार्टी लाइन से उठकर जो है वो सेवा की जाए, क्योंकि राजनीति का जो प्लेटफॉर्म है वो सेवा के लिए है। राजेंद्र राणा जी ने इस विधानसभा शीतकालीन सत्र में आज एक महत्वपूर्ण सवाल लगाया था, सुजानपुर जो कि सैनिक स्कूल है वहां पर, और बहुत प्रतिष्ठित और बहुत पुराना सैनिक स्कूल है सुजानपुर टीरा का, वहां पर कुछ दिक्कतें चल रही है, आर्थिक तंगी से वो स्कूल गुजर रहा है, उस स्कूल को लेकर राजेंद्र राणा ने विधानसभा में प्रश्न लगाया था। सरकार की ओर से क्या जवाब आया और राजेंद्र राणा जी वहां की दिक्कतों को लेकर उन्होंने क्या कहा, हम राणा जी से ही जानेंगे। देखिए, पिछले कल शाम को मैंने समाचार पत्र जब पढ़ा और अमर उजाला में ये समाचार प्रमुखता से छपा था कि हिमाचल प्रदेश में इकलौता स्कूल जो सुजैनपुर में सैनिक स्कूल है वो आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है, और ये जो स्कूल है इसका जो फाउंडेशन स्टोन रखा गया था 2 नवंबर 1970 को उस फाउंडेशन स्टोन रखा गया था, और इस स्कूल का जो पहला बैच है वो पहला बैच 1979 में जो है पहला बैच शुरू हुआ था, और आज आप ये देखिए कि 40 बैच जो हैं 40 साल इस स्कूल को चले हुए हो गए, 500 से ज्यादा स्टूडेंट हर वर्ष इस स्कूल से एजुकेशन लेकर निकलते हैं और 20,000 स्टूडेंट इस स्कूल से निकल चुके हैं। और उस समाचार पत्र में भी था, मैं व्यक्तिगत तौर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी को सैनिक स्कूल के प्रिंसिपल को लेकर पिछले सेशन के दौरान में मिला था, और उन्होंने व्याख्यान किया था कि स्कूल की जो माली हालत है, आर्थिक जो स्थिति है वो काफी कमजोर है, और प्रदेश सरकार की तरफ से जो स्कूल के लिए जो फंडिंग की जाती थी, जो मदद की जाती थी, जो एग्रीमेंट हुआ उसके मुताबिक आज की डेट में जो है सैनिक स्कूल को सरकार की तरफ से 3,71,00,000 रुपया लेना है, तो वो पैसा नहीं मिल रहा है। आज स्कूल में स्थिति ये हो गई कि बिल्डिंगें जर्जर हो गई है, 1970 के बाद ये स्कूल का निर्माण हुआ, आज 40 वर्ष हुआ है स्कूल को बने हुए हो गए, जहां बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, पानी जब बारिश होती है तो पानी टपकता है, बिल्डिंगें कमजोर हो गई हैं, और इस स्कूल से आप देखिए कि 500 से ज्यादा हमारी सेना में ऑफिसर्स इस स्कूल से निकले, जो कोई लेफ्टिनेंट जनरल है, मेजर जनरल है, कोई ब्रिगेडियर है, कोई कर्नल है, और इंटरनेशनल लेवल पे लोग जो है वो निकले हैं, और मल्टीनेशनल कंपनीज में सीईओ तक, अमेरिका तक ऐसे ऐसे लोग काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई प्रदेश सरकार में बहुत सारे ऑफिसर जो है सैनिक स्कूल से निकले हैं। ये वो सैनिक स्कूल है जहां से अधिकतर लोग जो निकलते हैं, मेजोरिटी लोग या तो आर्मी में ऑफिसर जाते हैं या सिविल सर्विसेज में जाते हैं, तो ये बहुत बड़ा एक एजुकेशन का इंस्टीट्यूशन जो है, महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन हिमाचल प्रदेश में। मैंने सदन के अंदर कहा है कि ये स्कूल में जो बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं वो हिमाचल प्रदेश के अधिकतर बच्चे यहां पढ़ते हैं, और हिमाचल प्रदेश को ये स्कूल है वो ऑफिसर्स पैदा कर रहे हैं, डिसिप्लिन यहां से बच्चे निकलते हैं, तो इनको जो पैसा मिलना चाहिए उनको मिले, इनकी जो बिल्डिंग्स हैं अनसेफ हो रही हैं उनमें आप उनकी मदद करें, तो स्कूल अच्छे तरीके से चले सरकार की जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि सरकार का ही वजन हल्का ये स्कूल कर रहा है। ये सरकार की जिम्मेवारी है कि बच्चों को एजुकेशन देना, किसी को जो है हिमाचल प्रदेश में एजुकेशन कोई स्कूल इंस्टीट्यूशन दे रहा, क्योंकि जो सैनिक स्कूल है कोई डिफेंस का नहीं है, एक डिफेंस की एक सोसाइटी है उसका ये स्कूल होता है, जिसमें केंद्र सरकार की तरफ से डिफेंस की तरफ से भी कुछ मदद की जाती है, प्रदेश सरकार भी इसमें मदद करती है, तो हिमाचल में प्रदेश में इकलौता स्कूल है, तो प्रदेश सरकार को मन खोल के इसकी मदद करनी चाहिए, और बींग ए लोकल एमएलए ऑफ सुजानपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी ये मेरी जिम्मेवारी, नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि अगर स्कूल वहां है तो उनकी जो मुद्दे हैं, उनकी जो समस्याएं हैं उनको उठाएं। सरकार की तरफ से क्या कहा गया? सरकार की तरफ से इंश्योर किया गया है, आश्वासन दिया गया है कि स्कूल की निश्चित तौर पर आने वाले समय में हम जल्दी से जल्दी इसकी मदद करेंगे और स्कूल को सहयोग करेंगे, उसके लिए मैं सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री का इस बात के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। जैसा कि हमारे दर्शकों ने सुना, राजेंद्र राणा जी बता रहे थे स्कूल की दिक्कत, और भी इन्होंने कई मुद्दों पर सदन में चर्चा की है, हम जानना चाहेंगे, राणा जी बताएंगे हमें कि और किन मुद्दों पर इन्होंने अपनी बात रखी है। देखिए, मुद्दे सदन में बहुत सारे उठाए गए, परंतु इसके अलावा एक मुद्दा महत्वपूर्ण जो उठाया गया, जिसको मैंने 62 में चर्चा ली थी, 62 में वो चर्चा इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि उस दिन जो है एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा जो था उसको लेकर वॉकआउट हुआ, और कल जो है एक प्रश्न के जवाब में मैंने एक प्रश्न किया था कि हिमाचल प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में सरकार ने पिछले 3 वर्षों में कितने रोजगार दिए,
सरकार उसका जवाब नहीं दे पाई क्योंकि आंकड़े सरकार कई मसलों को लेकर छिपाना चाहती है। जी जी जी। तो मैंने उसमें पूछा कि जिन लोगों ने टेस्ट क्वालीफाई किया 2014 में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की पोस्टें निकाली गई और 17 में उनकी भर्ती हुई और उसके बाद 2016 में फिर जो है 15-16 में जो है ये फिर से जो पोस्टें निकाली गई 1165 जो है जिनको पहले क्लर्क बोलते थे अब जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के नाम से इनको रखा गया है। तो उसमें सरकार ने जब एडवर्टाइजमेंट पोस्टें करी तब उसमें क्वालिफिकेशन जो प्लस टू रखी गई और कहीं से एक साल का कंप्यूटर का कोर्स किया हो और जब रिजल्ट निकाला गया 2019 में तो जिन लोगों ने सरकारी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशन से जो कंप्यूटर का कोर्स किया था उनको उन्होंने अपॉइंटमेंट दे दी 600 के लोगों को 500-550 लोग ऐसे हैं जो नियुक्तियों का इंतजार कर रहे हैं और पिछले 15 दिन से सबॉर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी जो जायज मांग है और मैंने सारा मसला इसको स्टडी किया मैं उनसे व्यक्तिगत तौर पर भी मिला। पिछले दिनों खबर भी आई थी कि आप उनके मैं उनसे मिला भी और जब मैंने उनका पूरा मसला स्टडी किया तो मुझे लगा कि इन लोगों के साथ ज्यादती हो रही है। तो मैंने जो पिछले कल सप्लीमेंट्री जो प्रश्न किया था तो उसमें मुख्यमंत्री ने हालांकि स्पीकर साहब ने वो बात को रोकने की कोशिश की हमारे जो पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर हैं भारद्वाज जी उन्होंने भी रोकने की कोशिश की परंतु मैंने कहा कि जब मुख्यमंत्री जवाब देना चाह रहे हैं तो आप रोकने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि आने वाले समय में इनके साथ जो है जस्टिस किया जाएगा और इनकी नियुक्तियों के प्रति उन्होंने जो है सकारात्मक रवैया दिखाया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में अगर सरकार ने कंडीशन भी लगा दी है हालांकि कंडीशन बनती नहीं है कंडीशन तब बनती है जब आप किसी पोस्ट के लिए आप एडवर्टाइज कर रहे हैं तब आप कंडीशन लगाइए पर जब आप रिजल्ट निकल गया आपका टाइप टेस्ट कर लिया लोगों ने आपका रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई कर लिया उसके बाद आप कंडीशन इम्पोज करते हैं दैट इज रॉन्ग। उसके बावजूद अगर सरकार आना तो वन टाइम रिलैक्सेशन को दे दें वन टाइम रिलैक्सेशन मिल जाएगी तो उनको नियुक्तियां मिल जाएंगी पहले वैसे लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है आपके पास पोस्टें खाली हैं तो उनके लिए रोजगार उनको जो है मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो इस तरीके से मुख्यमंत्री ने श्योर किया है विश्वास दिलाया है उनको जल्दी से जल्दी नियुक्तियां मिल जानी चाहिए। जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट के पद पर हमीरपुर स्टाफ सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में पेपर देने वाले परीक्षा देने वाले सैकड़ों लोग प्रदर्शन पर बैठे हैं हमीरपुर में इस कार्यालय के बाहर और राजेंद्र राणा जी ने उनका समर्थन किया है और पिछले कल विधानसभा में ये सवाल भी लगाया है जिस पर प्रदेश सरकार से उन्हें आश्वासन मिला है कि इनके साथ न्याय किया जाएगा। इसी तरह राजेंद्र राणा जी और भी स्थानीय सरोकारों को लेकर समय समय पर SDM के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन देते आए हैं और मुख्यमंत्री से मिलकर भी स्थानीय लोगों की समस्याओं पर चर्चा करते आए हैं। राजेंद्र राणा जी अपने निर्वाचन क्षेत्र में डटे रहे लोगों की सेवा करते रहे इन्हीं शुभकामनाओं के साथ लाइव टाइम्स टीवी के साथ बात करने के लिए राणा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मसलों पे मेरे से चर्चा की है उसके लिए भी आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया धन्यवाद। जैसा कि हमारे दर्शक देख रहे हैं कि हम विधानसभा में शीतकालीन सत्र जो तपोवन में चल रहा है वो बिल्कुल लाइव दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को और कहीं कहीं बीच में यहाँ सिग्नल की खराबी है जिस कारण हम अपने दर्शकों को पूरा पूरा स्ट्रीम लाइव नहीं दिखा पा रहे हैं उसके लिए हमें खेद है लेकिन फिर भी हम ये प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी पहलू कोई भी मुद्दा हमारी नजरों से ना छूटे और हम विधानसभा में चल रही हर गतिविधि अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहें। इसी के साथ हम आगे भी आपके साथ बने रहेंगे तब तक के लिए इजाजत दीजिए। मैं रविंदर पंवार वीडियो जर्नलिस्ट अमित कौशल के साथ धर्मशाला में तपोवन विधानसभा के शीतकालीन सत्र से लाइव टाइम्स टीवी के लिए जय हिंद जय हिंद। लाइव टाइम्स टीवी के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।